अब आपको पढ़ना है बेटा एनसीईआरटी में पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी वॉल्यूम एक सिंगल डिजिट्स है जिनको पढ़ना है, जब यही वॉल्यूम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो कैपेसिटी बन जाता है। जैसे मैं आपको एक सिखाता हूँ, पल्मोनरी वॉल्यूम को या पल्मोनरी कैपेसिटी को स्टडी करने के लिए स्पायरोमीटर चाहिए। स्पायरोमीटर चाहिए बात सीखे आप, स्पायरोमीटर चाहिए। एनसीईआरटी ऐसा लिखती है और जो एनसीईआरटी लिखती है वो सत्य है। तो अगर आप सबसे पहला वॉल्यूम देखें तो सबसे पहला वॉल्यूम होता है जिसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। ये देखिए सबसे पहला वॉल्यूम होता है, चार वॉल्यूम पढ़ने हैं, चारों ठीक ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। तो टाइडल वॉल्यूम को शॉर्ट में हम लोग टीवी कहते हैं। अगर इसकी डिफिनेशन देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर कैन नॉर्मली इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, दोनों स्थिति है, नॉर्मली इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड। अगर आप नॉर्मल जो सांस ले रहे हैं, जो सांस छोड़ रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में बिना कोई प्रेशर लगाए, इस वैल्यूम को आप टाइडल वैल्यूम कहते हैं। टाइडल वैल्यूम को टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब आप एक बार सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो आप 500 ml पर ब्रीद लेते हैं, पल ब्रीद, मतलब एक बार सांस लिया 500, एक बार सांस लिया आपने और एक बार सांस छोड़ा, तो 500 ml आपने लिया और 500 ml आपने छोड़ दिया। इंस्पायर किया 500 ml का, एक्सपायर्ड किया 500 का, कैसा, नॉर्मल या फोर्सफुल, नॉर्मल, ये बात सीखनी है आपको। तो अगर हम आपको बताएं कि एक सांस एक मिनट में कितनी बार लेते हैं, 12 बार, 12 बार सांस लेंगे या छोड़ेंगे तो 6000 ml हुई। ये देखिए 6000 ml एयर हुई। लेकिन अगर आपने 16 बार सांस लिया, एक सांस में लेंगे या छोड़ेंगे 500, तो ये हो गई 8000 ml। इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे तो एक मिनट में आप या तो 6000 ml या 8000 ml ले रहे हैं या तो छोड़ रहे हैं। एक सांस में कितना ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं 500 ml ले रहे हैं, 500 ml छोड़ रहे हैं, और 12 सांस में 6000 ले रहे हैं, 6000 छोड़ रहे हैं, 16 सांस में 8000 ले रहे हैं, 8000 छोड़ रहे हैं, मतलब नॉर्मली ऐसा आपको सीखना है। लेकिन इस 500 ml का फ्यूचर क्या है? अगर इस 500 ml का फ्यूचर आप देखें, जो सांस आपने लिया है, तो इस 500 ml में 350 ml है जिसका यूज हो रहा है, मतलब एक्सचेंज में जा रही है। आसे बोलूं यार, तो एल्विलाई में जा रही है। एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्विलाई में। मतलब आपसे कोई पूछे कि 350 कहाँ गई, तो आप कहेंगे सर एल्विलाई में गई जिसका एक्सचेंज हुआ। क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 150 ml है, इसे हम लोग डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं, आपके सर ये कौन सा स्पेस वॉल्यूम है? आप कहेंगे सर ये जो डेड स्पेस वॉल्यूम है ये कोई और वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम है जो बेटा कंडक्टिंग जोन में रह जा रहा है। किस जोन में रह जा रहा है? कंडक्टिंग जोन में रह जा रहा है। और इस एयर का इस्तेमाल हमारा एल्विलाई या हमारे फेफड़े नहीं कर सकते हैं, इनका कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। जब इनका कोई एक्सचेंज नहीं होता है तो इसके लिए एक शब्द लिखा गया है, डेड स्पेस वॉल्यूम। आपने पढ़ा है कि ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें दो जोन है, कंडक्टिंग जोन है और एक्सचेंज जोन है। तो एक्सचेंज जोन में कितनी जा रही है? 500 ml का, 350 ml जा रही है, लेकिन 150 ml ना आ रही है ना जा रही है, असर ये कंडक्टिंग जोन में जा रही है जिसका कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो एक बार सांस लेंगे छोड़ेंगे तो 500 ml लेंगे या 500 छोड़ेंगे, 12 बार ब्रीद लेंगे तो 6000 ml और 16 बार ब्रीद लेंगे तो 8000 ml, इतनी ब्रीदिंग आपको करनी है, ये बात सीखनी है। ये टाइडल वॉल्यूम पहला वॉल्यूम हो गया, ये पहला वॉल्यूम हो गया। अब अगर आपको दूसरा वॉल्यूम सीखना है तो आप लिखिए यहां पर जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, ये देखिए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। ये आपसे कोई पूछेगा कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, तो आपको बताना है कि सर देखिए ऐसा है, इसको शॉर्ट में हम लोग IRV कहते हैं। और ये देखिए एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है, किसके एडिशनल है? अगर मैं पूछूं तो 500 के ऊपर वॉल्यूम ऑफ एयर है। ये देखिए एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का वह एक्स्ट्रा वॉल्यूम, वह एक्स्ट्रा वॉल्यूम किसके एक्स्ट्रा, 500 के अबव जब लेते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर, इंस्पायर बाई किस प्रक्रिया से, फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन मतलब पूरी ताकत लगा के जब आप खींचते हैं
फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, उस 500 के एक्स्ट्रा जो आप एयर लेते हैं उस एयर को हम लोग IRB कहते हैं। ध्यान से देखेंगे लिखा हुआ है, मैं गोल कर देता हूं इस बात को, बाई फोर्सफुल इंस्पायरेशन। ये 500 आपने नॉर्मल लिया था, लेकिन ये जो फोर्सफुल आपने लिया है इस IRB की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे सर NCERT ने लिखा है कि ये कम से कम 2500 ml हो सकती है और मैक्सिमम ये 3000 ml हो सकती है। ये देखिए तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू में टाइडल वैल्यू में क्या फर्क है। टाइडल वैल्यू में 500 ml हम लेते हैं, 500 ml छोड़ देते हैं, लेकिन उस 500 ml के ऊपर एक्स्ट्रा जो एयर लेते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन जो एयर लेते हैं उस एयर को हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू कहते हैं। मतलब 3500 ml के ऊपर हम 2500 और 3000 ml ले सकते हैं। देखो नॉर्मल सांस लिया 500, लेकिन हमने पूरी ताकत लगाई, ये कौन सा इंस्पिरेशन हुआ, ये हुआ इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू। लेकिन 500 पहले लिया था, 2500 लिया, जब दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाती है। वैल्यू को जोड़ने पे ही तो कैपेसिटी आएगी। तो वैल्यू हो गया, टाइडल वैल्यू हो गया 500 जो नॉर्मल लिया जा रहा छोड़ा जा रहा है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू हो गया जो फोर्सफुल इंस्पिरेशन से एडिशनल एयर ली जा रही है। सब सुने आप, एडिशनल एयर ली जा रही है, किसके एडिशनल ली जा रही है, उस 500 ml के ऊपर जो एडिशनल एयर ली जा रही है वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू है। ये बात सीखनी है आपको, उस पे 500 ऐड नहीं है, 500 उसके बाहर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखे एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू देखना है। मैंने कहा था नॉर्मल वैल्यू कितना हम एक्सपायर करते हैं टाइडल वैल्यू में 500 ml, लेकिन उस 500 ml के आगे देखिए लिखा है NCERT ने कितने तरीके से लिखा है। देखिए आप लिखा है एडिशनल वैल्यू ऑफ एयर, मतलब वैल्यू ऑफ एयर वो एडिशनल वैल्यू ऑफ एयर कैन एक्सपायर। अब फोकस करें आप शब्दों पे, शब्द कुछ भी कर सकते हैं, शब्द में बड़ी ताकत है। कैन एक्सपायर बाई फोर्सिबल एक्सपायरेशन। देखिए ध्यान दें, जब नॉर्मल एक्सपायरेशन से एयर जाती है तो उसे हम कहते हैं भैया वो टाइडल वैल्यू में है, चाहे आए और चाहे जाए। यहां NCERT ने लिखा है बाई फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ये शब्द याद रखना है। और उसमें वो 500 ml नहीं है जो आपने पास किया है, वो नहीं है जो टाइडल वैल्यू वाला है, उसके एडिशनल है। ये देखो एडिशनल लिखा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि ERB का वैल्यू क्या है, मैंने कहा भाई देखो ERB का वैल्यू जो है ये है 1000 ml से लेके 1100 ml। ये मतलब 500 ml तो वो छोड़ ही सकते हैं, लेकिन अगर आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें मतलब ऐसा करें तो आप 1100 ml और छोड़ सकते हैं। लास्ट में बचता है ये देखिए रेसिडुअल वैल्यू बचता है। रेसिडुअल वैल्यू अगर इस वैल्यू को आप समझें, रेसिडुअल वैल्यू समझें आप, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको शॉर्ट में RV कहते हैं। ध्यान से देखें अमाउंट ऑफ एयर कितनी सटीक शब्द है NCERT के, अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स, अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स, अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ध्यान दें फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर फेफड़े के अंदर बची हुई है उस एयर को हम लोग रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं। ध्यान से देखिए शब्द क्या लिखा है, मैं NCERT मुझे पूरी याद है, रटी हुई है, भाग नहीं सकती एक लाइन। लिखा है अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वो एयर जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फेफड़े में बची हुई है उस एयर को हम लोग रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो मुस्कुराते हुए लिखे ये सर जो वैल्यू है 1100 से लेके 1200 ml के आसपास फेफड़े में बची रहती है। यहां पर आपको शब्द समझने हैं, सीखना है। जैसे एक शब्द है, देखो मैं एक शब्द सिखाता हूं, यहां मालूम लिखा रहता है मारो मत जाने दो, ये एक शब्द है। ये शब्द से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। अगर आपने यहां कामा लगा दिया तो क्या मतलब हुआ, मारो पटक के मारो जाने मत दो। लेकिन अगर आपने ये कहा मारो मत, कामा का फर्क देखिए, जाने दो लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना मारो मत निकल लेने दो, भाग जाने दो उसको। तो सिर्फ शब्दों का फर्क है, यहां पे शब्द डिफरेंस है। अगर आप देखें तो ये एडिशनल वैल्यू ऑफ एयर है जो एक्सपायर की जा रही है फोर्सफुल एक्सपायरेशन से, 500 के एवर भी एक्सपायर की जा रही है, और ये रेसिडुअल वैल्यू है वो ये एयर है कि जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया गया तो उसके बाद कुछ फेफड़े में बचेगा, बोलो बचेगा, बचेगा, बिल्कुल बचेगा, उस एयर को हम लोग रेसिडुअल वैल्यू कहते हैं।
तो आपको मैंने चार वैल्यूम सिखाए, और जब यही चारों वैल्यूम आपस में जुड़ते हैं तो पल्मोरेस्पिरेटरी कैपेसिटी बनती है। किस मीटर से स्टडी करते हैं? इसको हम लोग स्पायरोमीटर की हेल्प से मदद से स्टडी करते हैं। ये देखिए कैपेसिटी है, मैंने वहां लिखा, देखो कैपेसिटी, जब हम लोग रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पढ़ते हैं तो हम लोग वैल्यूम को जोड़ लेते हैं। तो पहला जो कैपेसिटी पढ़नी है वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पढ़नी, इसका शॉर्ट में आईसी होता है। थोड़ा सा आप इसका ध्यान से देखें, टोटल वैल्यूम ऑफ एयर, ध्यान से आप इसको शब्दों को पढ़ना है, टोटल वैल्यूम ऑफ एयर, टोटल वैल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर, मतलब सांस लेनी है कब, ये भी ध्यान रखा है, After a normal expiration। कितने सटीक शब्द हैं सोचें आप, कितने सटीक शब्द हैं कि अगर आपने एक नॉर्मल एक्सपायरेशन किया तो उसके बाद आप टोटल कितनी एयर इंस्पायर कर सकते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ एयर कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो कितनी एयर ले सकते हैं? अगर आप इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देखें तो टीबी तो 500 आप ले ही सकते हैं, और फोर्सफुल इंस्पायरेशन से 2500 आप और ले सकते हैं। तो टीबी और आईआरबी को अगर जोड़ देंगे तो आईसी आ जाएगा। नॉर्मल कितने ले सकते हैं? 500, और फोर्सफुल इंस्पिरेशन से कितना ले सकते हैं? 2500। इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी जब दोनों को आप जोड़ देंगे, आईआरसी कहेंगे, इन दोनों को जब जोड़ देंगे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू, इंस्पिरेटरी आईआरबी, जब दोनों को जोड़ देंगे तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी। टोटल वैल्यूम ऑफ एयर कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक, इसका उल्टा देखें, अगर आप इसका दूसरा देखते हैं तो ये है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये देखें एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है, एक दूसरी कैपेसिटी है जिसको सीखना है आपको, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, शॉर्ट में इसको ईसी कहते हैं। अगर इसको सीखना है तो देखिए कितनी सटीक लाइन है, टोटल वैल्यूम, ध्यान से सुने आप, टोटल वैल्यूम ऑफ एयर, एयर देखिए कैन एक्सपायर, क्योंकि आप एक्सपायर कैपेसिटी देख रहे हैं, आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन, आपने एक नॉर्मल इंस्पायरेशन लिया और उसके बाद कितने एयर आप बाहर पास कर सकते हैं। तो अगर आप इसी को ही आपसे पूछे तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, टीबी 500 पास करते थे प्लस आप इसमें एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू जोड़ दें, ये उतनी एयर है जो एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद व्यक्ति एक्सपायर कर सकता है। पहले नॉर्मली सांस लीजिए, फिर मैक्सिमम कितनी एयर पास कर सकते हैं वो है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। 500 पास करेंगे नॉर्मली, और ईआरपी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू वो एडिशनल जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन से पास करते हैं, उन दोनों को मिला के हम लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। तो एक हो गई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसमें टीबी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू को जोड़ा गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू को, और दूसरा हो गया एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जिसमें टीबी को ईआरबी मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू से जोड़ा गया। ये दोनों कैपेसिटीज हैं जिनमें टीबी को ऐड किया गया है और इसमें टोटल वैल्यू देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है? टोटल वैल्यू देखा जा रहा है। देखें ये है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, शॉर्ट में एफआरसी कहते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में इसकी डिफिनेशन देखें तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ध्यान से देखें, जब नॉर्मल एक्सपायरेशन हो उस समय फेफड़े में कितनी एयर है। नॉर्मल एक्सपायरेशन आपने किया, सांस छोड़ दिया, उसके बाद फेफड़े में कितनी एयर है, तो उस समय एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम है प्लस रेसिडुअल वैल्यूम है, ये दो वैल्यूम है जब आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया उसके बाद जो फेफड़े में एयर बची हुई है, इस कैपेसिटी को हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। दूसरा देखें आप वाइटल कैपेसिटी में, देखिए कितनी सटीक लाइन लिखी है कि वह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, ध्यान से देखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जिसे पर्सन ब्रीद इन कर सकता है, मतलब सांस खींच सकता है, लेकिन शर्त लगा रखा है कि आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, कितनी सटीक लाइन है। देखिए इसमें तीन शब्द है, अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, पर्सन ब्रीद इन कर सकता है, और तीसरी बड़ी बात है कब, फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? वाइटल कैपेसिटी देखिए तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू आएगा, टाइडल वैल्यू आएगा, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू आएगा। ये हर साल नीट का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको अच्छे सिखा रहा हूं, सीख जाए आप। और टोटल लंग कैपेसिटी में देखिए वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वैल्यू आ जाता है, मतलब इसमें और इसमें फर्क क्या है अगर आप देखें। अगर आपने लिखा क्या, ये तो ईआरबी है, ये टीबी है,
प्लस आईआरबी है, तो सब मिला के क्या हुआ आपका सारी तो वाइटल कैपेसिटी है, और इसमें आपने क्या जोड़ दिया, आरबी जोड़ दिया। ये नया एडिशन जब हो जाता है, जब एडिशन आरबी का हो जाता है तो टोटल लंग कैपेसिटी हो जाती है। तो एक बार फिर से देख लें, वह एयर जो फेफड़े में बची हुई है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, उसे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। वह एयर जिसे ब्रीदिंग मैक्सिमम अमाउंट भी किया जा सकता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर है जिसे ब्रीदिंग कर सकते हैं लेकिन फोर्स एक्सपायरेशन के बाद, वो है वाइटल कैपेसिटी। और अंत में टोटल लंग्स में फोर्स इंस्पायरेशन से जितनी एयर ली जा सकती है वो टोटल लंग कैपेसिटी होती है। टोटल लंग कैपेसिटी की कुछ खास नहीं है, वाइटल कैपेसिटी में रेसिडुअल वैल्यू को जोड़ देना है। ऐसे सीखना है आपको पल्मोनरी रेस्पिरेटरी वैल्यू और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी।